खुशामदीद व्यूअर्स, इस हफ्ते आरिफ अलवी के इलेक्शन कमिश्नर को खत सेंट द प्राइम टाइम शोज इनटू अ कंप्लीट फ्रेंजी। कहीं पर शोज में लोग अपनी बारी ना आने पर शो छोड़कर चले गए। सियासतदानों ने अपने हाथ काट लिए, लेकिन जो प्रेसिडेंट था ना, एक पॉलिटिकल बफर का जरूर मौजूद था जिसके पास इख्तियार था। वैसे बंदा वजीर भी नहीं होना चाहिए था। और कहीं हुआ इंतहाई सोफिस्टिकेटेड लानत भेजो कंपटीशन। मैं लानत भेजता हूं उन दानिशवरों पर जो मुल्ज़मों और मुजरमों को ग्लैमराइज करते हैं। मैं लानत भेजता हूं उन अहले इल्म पर जो हुकूमतों के गोदों में बैठते हैं। मैं लानत भेजता हूं उन पढ़े लिखों पर जो जीरे ब्लेडों के साथ होते हैं। मैं लानत भेजता हूं उन तमाम लोगों पर। पहली बात तो यह है कि मुझे बड़ी खुशी है कि भट्टी साहब ने तकरीबन 80% लानत अपने ऊपर भेज दी है, क्योंकि उन्हें बहुत सी चीजें में क्वालिफाई करते हैं। सारे समाचार में उसमें नियाजी साहब भी शामिल हैं, उसमें आगे नियाजी साहब शामिल है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं शामिल हूं। लानत भेजता हूँ ऐसे तमाम लोगों के ऊपर जो पाकिस्तान के खिलाफ सोचते हैं। मैं भी लानत भेजता हूँ और जो पाकिस्तान के खिलाफ सोचते हैं। और मैं लानत भेजता हूँ उस पर जो कल हाउस ऑफ शरीफ को राह का एजेंट कह रहे थे और आज उनके साथ खड़े हुए। पर सबसे पहले बात करते हैं आरिफ अलवी के लेटर के रद्द अमल में आने वाले मिक्स्ड रिएक्शंस। अभी तक कोई भी इस बात का डेफिनेट जवाब नहीं दे सका कि क्या प्रेसिडेंट के पास ये इख्तियार था कि वो डेट दे। जो सियासतदान और जर्नलिस्ट इस राय के हामी हैं कि प्रेसिडेंट के पास इस बात का इख्तियार नहीं है, वो ये कहते पाए गए। सियासतदानों को अपने केस अपने तौर पे हल करने चाहिए। पार्लियामान हो तो पार्लियामान में हल करने चाहिए। आपस में रवादारी और तालमेल होनी चाहिए कि दूसरे से बात करके हल करें। ये अपनी दाढ़ी जाके अदलिया के हाथ में देना हर केस में ये मुनासिब नहीं। कायरा साहब इस मामले को ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजंस पर सियासत नामी कोई चीज ही नहीं होती। एक इलेक्शन ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूशन जो खुद ही कहती है कि डेट देने का इख्तियार उनके पास है, पर शुरू से इस मामले पर कम्प्लीटली चुप है। हु अदर देन द सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू अश्योर दैट दे एटलीस्ट डू देयर जॉब। It is, however, to be considered कि इस दफ़ा प्रेसिडेंट का सुप्रीम कोर्ट को इन्वॉल्व करना शायद इलेक्शन कमीशन पे कोई खासा असर ना रख पाए। बिकॉज द लास्ट टाइम व्हेन द प्रेसिडेंट ट्राइड टू एक्सरसाइज हिज राइट फुली इन स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्ड्स के 14 मई को इलेक्शंस हो जाने चाहिए, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भी इलेक्शन कमीशन ने कान नहीं धरे। सो लेट्स जस्ट से आरिफ अलवी दिस टाइम ट्राइड टू प्रोटेक्ट हिज सेल्फ रिस्पेक्ट और उसके साथ साथ एक तीर से दो शिकार भी करती है। बस यही मैसेज दिया कि भाई इलेक्शन करवाने हैं तो करवाओ। आई एम गोइंग कम्प्लीटली ममनून ऑन दिस। अब इस पावरलेसनेस की इंतहा में शायद हमारे प्रेसिडेंट को एक्स प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी के ये वाले विजन्स जरूर आते होंगे। बट आसिफ अली जरदारी वुडन्ट बी द ओनली वन दो। हमारे जर्नलिस्ट ने इस पूरे ऑर्डियल के दरिया को कूजे में किन अल्फाज से बंद किया, टेक अ लुक। मैंने जब लेटर पढ़ा मैंने तो ये तो कुछ हो रही है, ये तो सदर साहब ने आइन का रूट कनाल कर दिया। इंटरेस्टिंगली माहिरीन सियासत और उन्हीं के पार्टी के बुकला प्रेसिडेंट के इख्तियार को लेकर दो अलग और एक दूसरे से बरक स्टेटमेंट्स देते आए हैं। इस मरतबा बड़ा क्लियर है कि इलेक्शन कमीशन को पावर दिए गए हैं, प्रेसिडेंट के पास पावर नहीं है। 485 में प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को तारीख दे देनी चाहिए। अबूरी सदर के तौर पे 9 सितंबर के बाद ये कोई डेट अनाउंस नहीं कर सकते, गैर कानूनी होगा। आईन के मुताबिक प्रेसिडेंट ही डेट देंगे, ऐसे बिल्कुल प्रेसिडेंट देंगे। अच्छा साहब, क्या सदर पाकिस्तान तारीख दे सकते हैं आपके ख्याल? हाँ बिल्कुल दे सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। क्या हम इलेक्शन शेड्यूल के लिए सदर मुमलिकत को ये इख्तियार दे दें कि वो हमें शेड्यूल देगा? गैर आईन उसको कोई हक नहीं पड़ता, वो सदर मुमलिकत है, वो इलेक्शन कमीशन का जिम्मेदार नहीं है। जो है बड़ी क्लैरिटी के साथ कहता है कि सदर को ये डेट देनी चाहिए। और ये सब वही लोग हैं जो कल तक कहते थे कि प्रेसिडेंट डेट अनाउंस करके मुल्क को कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस में धकेल देंगे। इस बात का क्रेडिट आप आरिफ अलवी साहब को ना दें, हाँ आपस में मिलजुल कर बांट लें, बट इन तमाम पार्टी लीडर्स का
मिलजुल कर रहना भी मुहालसा हो गया। पीपल्स पार्टी इस वक्त केयर टेकर सेटअप को पीएमएलएन का एक्सटेंशन समझती है। बिलावल एज आवर फॉरेन मिनिस्टर एट फर्स्ट सीम लाइक जरदारी वाज सॉफ्ट लॉन्चिंग हिज सन एज द फ्यूचर लीडर ऑफ पाकिस्तान, पर गवर्नमेंट की मुदत खत्म होने के बाद बिलावल के पैर जमीन पर लगते ही उन्हें रियलाइज हुआ कि ये केम के हाथ से कुछ निकलती भी नजर आ रही है। अब केयर टेकर सेटअप को भी इस बात का शायद इल्म है कि इस वक्त न्यूट्रल रहना इतना ही अननेसेसरी है जितना एक ऑटोमेटिक गाड़ी के गियर में न्यूट्रल का मोड होता है। या तो आपकी गाड़ी पार्क पे होती है और या ड्राइव। अब इस गवर्नमेंट का इलेक्शन करवाना लुक्स लाइक इट्स द लीस्ट ऑफ देयर कंसर्न्स, और इलेक्शन कमीशन इज दैट मिडिल चाइल्ड जो सिर्फ अपनी मर्जी करता है और गवर्नमेंट भी उन्हें कुछ नहीं कहती। पीपीपी रो रो कर दुहाइयां दे रही है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, और उनके हवाले से पीएमएलएन वाहिद पार्टी है जिन्हें यकीन था कि इलेक्शंस फरवरी में होंगे। बड़ी अजीब बात है कि एक जमात जो है वो खुद तो इलेक्शन डेट ऐलान कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि फरवरी में इलेक्शन है। ना, मुझे नहीं पता कि इलेक्शंस है, आपको नहीं पता कि इलेक्शंस कब है, इलेक्शन कमिश्नर साहब को नहीं पता कि इलेक्शंस कब है, मगर उस जमात को पहले से पता है कि इलेक्शन डेट क्या है। तो मैं फिर अगर लेवल प्लेइंग की फील्ड का बात ना करूँ तो क्या लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है के लिए तो है और यही मेरा एतराज है। ये तो बहुत बड़ा आगर है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, लेकिन जिस तरह से मैंने अर्ज किया है कि आज जो है वो 54-53 डेज बाकी रहते हैं 6 नवंबर में, तो अगर ये अगले 10-15-20 दिन के बाद कोई फैसले की घड़ी आती भी है तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर सुप्रीम कोर्ट हो सकता है कि ये करार दे भी दे कि आईनी तौर पे 90 दिन में इलेक्शन होना चाहिए था, लेकिन वो रिलीफ ग्रांट नहीं करेगा। बाज फैसले ऐसे बाजी में भी हुए हैं। रियली राणा साहब, यही सुप्रीम कोर्ट थी जिसने केपी और पंजाब में आपकी गवर्नमेंट को 14 मई को इलेक्शंस कराने का ऑर्डर दिया था। उस वक्त से अब तक ऐसा क्या बदल गया जो इतनी नरमी का इजहार हो रहा है? मैं समझता हूँ कि क्या ये पहली दफा है कि पाकिस्तान में इलेक्शन 90 दिन में नहीं हो रहे? क्या अब अगर फैसला हो जाए, अगर पैसे मिल जाए तो क्या 90 दिन में इलेक्शन होंगे? 90 दिन में अभी भी नहीं हो रहे। अब इस पूरी कहानी पे जूम आउट करके बिलावल के बरक्स जरदारी साहब के तासुरात कम्प्लीटली डिफरेंट है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने हल्का बंदियों के बाद इलेक्शन कराने की हिमायत की है, और अपने बयान में आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि मुल्क मुआशी बुरान से गुजर रहा है, सियासत के बजाय मईशत की फिक्र करनी चाहिए। जरदारी साहब स्टैंस हैज बीन सेम फ्रॉम द बिगिनिंग, जब उन्होंने ये कहा था कि इलेक्शंस तब होंगे जब वो कहेंगे, और मईशत पर इस वक्त गौर करना ज्यादा जरूरी है। बिलावल फॉर सम रीजन पटरी से कैसे उतर गए? जरदारी साहब क्या कहते हैं, मईशत पहले, मुल्क को देखा जाएगा। तो ये हमारा हर सियासतदान बढ़ चढ़ के ये बात कह रहा है कि हाँ जी वो कर ले पहले, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस वक्त सियासत ये रह गई है कि हमारी कबूलियत हो जाए, और अगर आज जिन सियासी प्लेयर्स की कबूलियत है तो दूसरे को ये इतराज है कि इनकी क्यों है और मेरी क्यों नहीं है। इन द लाइट ऑफ दैट कहानी सिंपल है, फादर सन डुओ इस वक्त गुड कॉप बैड कॉप खेल रहे हैं। फादर स्टेटमेंट्स आर प्रो पावर व्हाइल द सन स्टेटमेंट्स आर प्रो पीपल, द गुड ओल्ड छोटे भैया बड़े भैया स्ट्रैटेजी। लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड मोस्ट डिस्कस्ड टॉपिक दिस वीक, एंड दैट्स मियां साहब की वापसी का मुद्दा। पीएमएलएन इस वक्त फुल बागबान स्टाइल हाथ में थाली पकड़े मियां साहब के आने का वेट कर रहे हैं, और तासर ऐसा फैला रहे हैं कि मियां साहब ही तो हैं जो वापस आकर सब ठीक कर देंगे। पर पहले ये तो बताएं कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, मतलब ऐसा कौन सा रोड मैप तैयार किया है जो आते साथ ही पंजाब पर इन्फ्लुएंस हो जाएगा? हाँ, अगर इन्फ्लुएंस ऐसे बढ़ाना है तो ध्यान रखिएगा, 3-4 साल पहले तक तो लोग बिरयानी के थैले कैच कर लेते थे, पर पिछले 16 माह में आपकी हुकूमत जो आम आवाम का हशर करके गई है उसके बदले में यही थैले वापस भी पड़ सकते हैं। पर सवाल ये भी है कि अगर वाकई सिर्फ मियां साहब के पास पाकिस्तान को बेहतर बनाने का नुस्खा मौजूद है तो उन्होंने ये इल्म के मोती अपने छोटे भैया को क्यों नहीं दिए? मतलब 16 माह में इतने दौरे, इतनी मुशावरतें और मीटिंग्स में छोटे भैया को कोई एडवाइस तो दे होगी कि मुल्क को कैसे चलाना है। अब शहबाज शरीफ की डिसीजन मेकिंग में अगर तो बड़े भैया का कोई हाथ था तो इसके दो ही पहलू हो सकते हैं, या तो मियां साहब के पास वाकई कोई गेम प्लान नहीं है,
और या फिर वो छोटे भैया को गलत मशवरे देते जा रहे हैं ताकि जब वो आएँ तो इसके मुकाबले में वो खुद कतरे बेहतर लीडर लगें. Until then, let's sit back and wait the storm out and see कि कुछ ही दिनों में newly appointed Chief Justice of Pakistan, Qazi Faiz Issa, current हालात में किस किस्म के इकदाम लेते हैं.